चेस ऐसा खेल है जिससे कि आपके मानसिक और बौद्धिक विकास दोनों होता है। हाँ, 2016 में यूनिवर्सिटी चैंपियन भी बना था, फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी चैंपियन बना था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा नाम दिव्यांग प्रताप सिंह है। हाँ। कौन सी क्लास में? 9। मेरा नाम तन्मय विश। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज सिंह पवार, एक बार फिर से जो है आपका MS पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं अल्मोड़ा में हूँ। आज हम शारदा पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं अल्मोड़ा के, तो अल्मोड़ा उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट जैसा कि आप लोगों को पता है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो हमको संतोष सर जो चेस मास्टर है उनके द्वारा बुलाया गया है, वहाँ पर चेस टूर्नामेंट चल रहा है, तो वहाँ जाएंगे और उस टूर्नामेंट को कवर करेंगे जो कि विद्यार्थियों के द्वारा वहाँ पे खेला जा रहा है। दोस्तों फाइनली अब हम जो है शारदा पब्लिक स्कूल में पहुँच चुके हैं। ये चेस सिग मास्टर संतोष भाई आ गए, तो संतोष भाई चलो अब अंदर चलेंगे शारदा पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा का। आप लोग देखेंगे चेस मास्टर आज के टाइम में जो चेस ट्रेनिंग देते हैं संतोष सर, वो हमको अंदर के बारे में बताएंगे, गाइड करेंगे, तो आप लोगों को दिखाया जाएगा। जैसा कि देखते हैं सबसे पहले तो हम इधर पे एंट्री कर चुके हैं, तो सर सबसे पहले ये संतोष सर यही है चेस मास्टर, यानी कि इसी स्कूल में जो है बच्चों को जो है चेस ट्रेनिंग दे रहे, चेस के कोच बोल सकते हैं आप। तो सर ये बताइए सबसे पहले ये टूर्नामेंट क्या ओपन टूर्नामेंट है? यस सर, जैसे लिखा है इंटर स्कूल चेस कंपटीशन 2022। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट करता है कर सकता है? इंटर स्कूल जो मतलब फर्स्ट क्लास है इंटर स्कूल का। यस, इसके लिए हमने लेटर दिया था ना, हमने भी स्कूल में लेटर दिया था, उसी स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं केवल अल्मोड़ा के लिए। तो सर ठीक है, अभी आपके चेस हॉल में जाएंगे अंदर, तो सर आपको बताया हमको बताएंगे, चलो ठीक है अंदर एंट्री करते हैं। तो ये है जैसे कि देख रहे होंगे हॉल है, शिवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से फिजिकल एजुकेशन टीचर राजेंद्र सिंह राणा, और हमारे 9 विद्यार्थी इसमें अभी तक प्रतिभाग कर रहे हैं, और एक विद्यार्थी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, अभी उसके 5 राउंड में 4 मैच जीत चुका है दिव्यांकर सिंह ने, और काफी अच्छी प्रतियोगिता चल रही है। और शुक्र धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कि संतोष भाई का, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, और शेखर लेक्चरर सर और नीता मैम का कि इतना अच्छा टूर्नामेंट हमें देखने को मिल रहा और खेलने मिला, और हम हर वर्ष इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हैं, और हमारे सौभाग्य की बात है कि पिछले वर्ष हम सेकंड नंबर पर आए थे, इस वर्ष हमारी कोशिश रही कि हम प्रथम स्थान में रहे। और धन्यवाद मैं विशेषकर जो हमारे ब्लॉग बना रहे मनोज भाई, मनोज पवार जी मेरे छोटे भाई, क्रिकेट के मेरे सहपाठी हैं, उनका देना चाहूँगा। और आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप भी चेस खेलिए, और चेस ऐसा खेल है जिससे कि आपके मानसिक और बौद्धिक विकास दोनों होता है। आज के टाइम में ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि देख रहे हैं कि आप लोग यही चेस हॉल है, आप देखिए पूरा ये इधर पे आप पूरे साइड लगे हुए हैं, पूरा इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है ओपन टूर्नामेंट, आप देखिए। तो इधर पर जाएंगे तो आप लोगों का भी डांस, इससे पहले आपने कितने मैच जीत लिए? मैंने अभी 5 में से 4 जीते। 5 में से 4, गुड। और आप कौन सी क्लास में? मैं अभी 12th। और आप? मैं 9th में हूँ। 9th में, मैं सौम्य, 4 गेम जीत चुका हूँ। तो आपके कोच सर हैं, तो आपको ट्रेनिंग देते हैं? यस सर। ठीक है, निधि चौधरी। कौन सी क्लास में? 9th। अभी तक 3 राउंड जीत चुकी हूँ। 3 राउंड इसके बाद। और आपको कौन सी स्कूल से हैं? इसी SPS से। SPS से। और आप, आपका नाम? मेरा नाम तन्मय विष्ट। कौन सी क्लास से? 8th। टूर्नामेंट ये पहला टूर्नामेंट है, पहला अभी क्वालिफाई किया है अभी आगे। हाँ। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। और जो अदर स्कूल से आए हैं, और कौन कौन से आए हैं आप बाहर के स्कूल से बताइए? वीर शिवा से। कौन? टेबल नंबर 2 आयुष बिस्ट वर्सेस हर्ष शर्मा, हर्ष शर्मा विन। सौम्य पटियाल वर्सेज अजय तिवारी, सौम्य पटियाल विन। दिव्यांकर प्रताप वर्सेज वैष्णवी उप्रेति, दिव्यांकर प्रताप विन। प्रियांशु बिस्ट वर्सेज वर्णिका भोज, प्रियांशु बिस्ट विन। रोहित बिस्ट वर्सेज विनय कनवाल, रोहित बिस्ट। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं कि आप लोग इधर पे इंटर डिस्ट्रिक्ट जो चेस टूर्नामेंट चल रहा है शारदा पब्लिक स्कूल में, उसका जो है फाइनल राउंड स्टार्ट हो चुका है।
संतोष कुमार है, मैं मुंशियारी का रहने वाला हूँ। चेस स्टार्टिंग में बचपन में तो कभी देखा नहीं था, उतना सुना भी नहीं था, क्योंकि गांव घर में उतना खेलते नहीं है। बचपन में हमने क्रिकेट या फुटबॉल ही खेला था। तो उसके बाद जैसे मुंशियारी से बाहर को निकले अल्मोड़ा, जब ग्रेजुएशन करने आए थे, तब यहाँ देखा तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, इंटरेस्ट बढ़ते गया, तो फिर आगे स्टार्ट किया चेस। तो फिर 3 टाइम यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, कॉलेज SSJ कैंपस की टीम से खेला। ये 2016 से, और 2016 में यूनिवर्सिटी चैंपियन भी बना था, फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी चैंपियन बना था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद फिर 2017 में मैं U-25 स्टेट चैंपियन बना। उसके बाद फेडरेटिंग टूर्नामेंट खेला, फर्स्ट टाइम तो जब दिल्ली में खेला था फेडरेटिंग टूर्नामेंट, तो उस टाइम मेरी रेटिंग निकली थी। जब सेकंड फेडरेटिंग टूर्नामेंट खेला तो उस टाइम मेरी रेटिंग खुली। एक कि हम चेस तो खुद प्लेयर खेलते हैं, घर में खेलते हैं या किसी के साथ खेलते हैं, अगर हमें फीडे रेटिंग जो हम कि एक लेवल का मानते हैं कि देखो ये रेटेड प्लेयर है यानी गेम अच्छा है, तो हम चाहे फीडे रेटिंग तो EICF के अंदर कहता है कि रेटिंग कितनी है, इससे रेटिंग के अकॉर्डिंग प्लेयर का जो स्तर होता है, किस लेवल का गेम है, वो डिसाइड होता है। अभी मेरी जैसे मैंने अभी तक ओनली 3 फीडे रेटिंग खेला है, 2 दिल्ली में खेला, 1 नैनीताल में खेला। दिल्ली में फर्स्ट फीडे रेटिंग में मेरी रेटिंग खुली नहीं, उसके बाद सेकंड रेटिंग टूर्नामेंट में मेरी रेटिंग खुली थी 1000 से स्टार्ट, उस टाइम अब तो 1000 से स्टार्ट होती है, उस टाइम 1100 से रेटिंग खुलती थी फीडे की रेटिंग। तो फिर अभी 2-3 टूर्नामेंट खेला, अभी समथिंग मेरी 1200 कुछ रेटिंग है फीडे रेटिंग, उसके बाद टूर्नामेंट खेला ही नहीं। हमारे उत्तराखंड में ना के बराबर होता है फीडे रेटिंग टूर्नामेंट, अगर होता भी है तो नैनीताल में होता है, जैसे नैनीताल में लोकल टूर्नामेंट होता है तो वहाँ खेलते हैं, तो 3rd, 4th, 5th पोजिशन बन जाती है और सही टूर्नामेंट चलता है। यस, मेरे दादा खेलते थे। आपके दादा का नाम? हाँ, देवेंद्र कुमार, जो अभी एडवोकेट है। आपने यहाँ पे शादा पब्लिक स्कूल कब ज्वाइन किया? ये लगभग चार साल हो गया। चार साल से आप जो है बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो, कोचिंग ट्रेनर के रूप में बोला जा सकता है। तो आपकी जितनी कोई आपका बच्चा इसमें से प्रतिभा कहीं बाहर स्टेट डिस्ट्रिक्ट या नेशनल खेला? यस, एक मनन जोशी था, रैपिड टूर्नामेंट में 3rd पोजीशन आए थे। ये रैपिड टूर्नामेंट? यस, रैपिड जैसे क्लासिकल है, क्लासिकल में टाइम लिमिट रहता है कि अब 3 घंटे जा सकता है गेम या 4 घंटे जा सकता है गेम, ज़्यादा भी जा सकता है, वैसे 90 मिनट का रहता है, तो उसमें इंक्रीमेंट भी होता है, तो अलग अलग है। रैपिड है आपका यहाँ 15 मिनट 15 मिनट, उसमें इंक्रीमेंट भी होता है 10 मिनट का, 15 मिनट 20 मिनट का, इस टाइप का होता है। उसमें मनन जोशी की 3rd पोजीशन आई थी, बाकी खेलते ऑनलाइन था वो टूर्नामेंट। बाकी अभी अच्छे बच्चे हैं हमारे पास जो आगे मेहनत करेंगे। यस, उसमें है सौम्य पटियाल है, अभी क्लास 9th में है, वर्णिका डालाकोटी है अभी 8th क्लास में है, करण गोस्वामी है अभी 11th क्लास में है, कुछ बच्चे हैं अच्छा कर रहे हैं, आगे जाके अच्छा करेंगे अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आगे जाके अच्छा करेंगे। चेस ऐसा गेम है जिससे हमारा जो बहुत ही विकास होता है। यस, इस बारे में कुछ कहना चाहिए? चेस तो है, चेस तो न एज लिमिट है उसके लिए न कुछ है, कोई भी खेल सकता है। हमारे जो रियल लाइफ में कोई काम मिलता है जो कहीं पे भी कहीं मैंने एक बात नोट किया है चेस के बारे में, जो सोचने की विपत्ति में हमारा दिमाग, यस, जो सोचने की शक्ति है बच्चों की, जो पेशेंस है या कह सकते हैं, हाँ 50 साल अगर 5 ईयर या 10 ईयर अगर चेस खेलता है वो बच्चा, तो जो उसकी पेशेंस है वो लगभग 50 साल या 40 साल के समथिंग उतना होता है उनका सोचने की शक्ति है या पेशेंस है। बाकी तो चेस के फायदे फायदे, एक बौद्धिक गेम है चेस, बौद्धिक गेम है और सबसे पुराना गेम भी है, चाहे आप रामायण से लो या महाभारत, फिर चेंजेस होते गए चेस में, समय के अनुसार डेवलपमेंट होता गया। जैसे कि आज के टाइम पर क्या है, जितने भी स्कूल हैं जैसे प्राइवेट स्कूल शारदा पब्लिक, इसमें क्या कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो उनका जो मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट होता है, इस हिसाब से यानी कि आज के टाइम में सही है जो पढ़ाई के साथ जो है बच्चे को कंटिन्यू पढ़ाई ना करे और चीज़ें भी जो है प्रतिभाग करे, जैसे कोई कंपटीशन हो गया, जैसे गेम्स हो गया, उनका जो फिजिकली भी शरीर मजबूत रहे और शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी मजबूत रहे, जैसे क्या कि मुझे दिमागी रूप से मजबूत बनाएगा। 23 और 24 को स्टेट से 3 गर्ल्स 3 बॉयज जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंडिया में चेस ओलंपियाड हो रहा है। एक आप ये टूर्नामेंट के साथ साथ जो 2 दिन का इंटर स्कूल रखे हमने, ये ओलंपिक का जश्न भी मना रहे हैं हम, ये हमारे लिए खुशी की बात है, जितने भी चेस लवर है, चेस प्रेमी है, और स्कूल में तो हमारे शेखर सर प्रिंसिपल मैम हमेशा सपोर्ट करती है, विश्वनाथन आनंद हमारे आइडियल है, लीजेंड भी है, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था उनको स्पोर्ट्स में, फर्स्ट पर्सन थे। उसके बाद गैरी कास्परोव, बहुत अच्छा लगता है उनका गेम, मिखाइल ताल है। टूर्नामेंट में हमने एक चीज़ भी रखा है ये प्रमोट करने के लिए शहर में, ये प्रिंसिपल मैम या शेखर सर जो प्रमोट कर रहे हैं हम चेस को शहर में अल्मोड़ा में, हाँ कि फर्स्ट प्राइज प्रमोट करने के लिए, अभी कुछ टाइम बाद हो सकता है हम स्टेट लेवल का यहाँ इंटर स्कूल चेस कॉम्पिटिशन रखें, तो पहले हम अपने बच्चों को प्रमोट करें ताकि इनका प्रैक्टिस हो, आगे जाके अच्छा खेले। इसके लिए हमने इनको प्रोत्साहन देने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए फर्स्ट प्राइज 10,000 रुपया रखा है, सेकेंड प्राइज
5000, थर्ड प्राइज 3000। जो अब गर्ल्स के लिए भी, गर्ल्स को भी प्रमोट करने के लिए स्पेशल प्राइज रखा है उनके 5000 प्लस ट्रॉफी सभी के लिए रखा है। ठीक सर, बहुत धन्यवाद आपने अच्छी ट्राई किया, अभी देखिए आगे भी सर होंगे, उनके लिए बहुत काम आएगा। सौम्य पटियार, मैं 19 मैंने 5 साल से स्टार्ट किया था, मैं बचपन से खेलता हूँ। बचपन से आपका जो हॉबी है चेस, तो आपके जो फेवरेट प्लेयर है चेस प्लेयर का नाम बताइए। मेरे मिखिलदार हैं, कहाँ के? ये वहाँ के हैं, खाना के। मैं फाइनल में हूँ। कौन सी क्लास में आप? फोर्थ में। तो आप कौन सा, आप फाइनल में पहुँचे हो? तो आपने घर में सीखा थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा सर ने सीखा। कौन, पापा? आपके पापा मम्मी? ठीक है, थैंक यू। सर मेरा नाम दिव्यांक प्रताप सिंह है, दूसरे स्कूल से आए हैं, बीरशिवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। तो अभी 6 राउंड हो चुके हैं, मैं अभी 5 राउंड जीत चुका हूँ। 5 राउंड, हाँ, एक फाइनल और होगा। तो सर पहले हम बचपन से, मैं अपने पापा के साथ खेलता था, फिर अपने दादाजी के साथ हमने प्रैक्टिस करी थी, फिर तब से सर ऐसे ही पैशन से चढ़िया था। और स्कूल में हम राजेंद्र राणा सर के साथ खेलते थे। सर मैग्नस कार्लसन। मुझे घर में मेरे पापा खेला करते थे तो नहीं सिखा रहे। यहाँ कर तो आप ये चेस, उसके बाद आपकी जो स्किल्स इम्प्रूव हुई, आप अभी फाइनल हो गया ना, आप ये इसके बाद और राउंड है या ये फाइनल जीत गया आप? पता नहीं, अभी शायद एक और हो सकता है। और उसमें इसमें आप खेलना चाहते हैं कि इंडिया की टीम से? सर आप डेफिनेटली कर पाओगे ऐसा उसमें, आप जो है इस टाइम पर जितना आप गेम को खेलते रहोगे इसका जो है आपका स्किल डेवलपमेंट होती रहेगी, ट्रिक्स आती रहेंगी, नई नई चीज़ें। तो आपके जो कोच हैं आप इसको गुरु मानते हैं, आपको जो कोच मतलब जिसने आपको ट्रेनिंग दिया, तो ये संतोष सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? संतोष अच्छी तरह से सिखाया, मैंने यहाँ पे पिछले साल ज्वाइन करा तो मुझे खेलना बहुत अच्छे से नहीं आता था, उन्होंने सिखाया अच्छे से, तो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। ठीक है, थैंक यू, आपको जो है बहुत शुक्रिया, आपके शुभकामनाएं, ब्लेसिंग। ठीक है, थैंक यू सर। कौन जीतेगा आपने से? हाँ आप जीतोगे, क्या कोशिश रहेगी? अच्छे प्लेयर हैं बहुत, पिछली बार तो हारा था, जब कोशिश करना है। अरे डेली आप खेलते रहते होंगे आप? हाँ, जब भी टूर्नामेंट खेलने आते हैं तो। लास्ट टाइम कौन जीता था? लास्ट टाइम सर शिखर सर जीते थे। पहले कौन फर्स्ट आए, सेकेंड आए, जो प्राइज़ मिल चुका है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी, जैसे कि संतोष सर ने बताया कि हमारे यहाँ इंडिया से या उत्तराखंड से जो है चेस प्लेयरों की बहुत कमी है और जागरूकता की कमी है, क्यों सर? इधर पर जो है अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे, और अपने जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जो है इस गेम को खिलाएं, इससे जो है उनका बौद्धिक विकास होगा, इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होगा, तो बच्चा किसी भी परिस्थिति, विषम परिस्थितियों में फंस जाए तो उस टाइम पर अपने जो है दिमागी कुशलता से तो उसको सॉल्व कर सके। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप अवश्य बताएं। धन्यवाद।